हेलो बच्चों, आज आपकी क्लास होगी एंगल की। इससे पहले जो क्लास हुई है वो फिजिक्स का इंट्रोडक्शन हो रही थी, उसके बाद मैग्नीट्यूड हुई है, उसके बाद यूनिट की क्लास हुई है, और यूनिट में लास्ट में एक नोट एक यहाँ पे है, आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ए सेट ऑफ बेस यूनिट एंड डिराइव्ड यूनिट इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ यूनिट। इसको याद कर लीजिएगा। आपसे अगर कोई पूछता है कि सेट ऑफ बेस यूनिट और डिराइव यूनिट के सेट को क्या कहते हैं, बेस यूनिट और डिराइव यूनिट के सेट को कहते क्या हैं, तो सिस्टम ऑफ यूनिट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो नोट कीजिएगा, पिछले क्लास में यूनिट में आपके दो नोट ऐसे भी थे, उसके बाद की एक नोट। अब से बेस यूनिट और डिराइव यूनिट के बारे में हम बता चुके हैं, तो आज की जो क्लास होगी वो आपकी एंगल की होगी। एंगल एंगल क्या है? दिस इज अ कॉन्सेप्ट इज यूज टू डिस्क्राइब द इंक्लिनेशन बिटवीन टू लाइन्स इज कॉल्ड एंगल, इज कॉल्ड एंगल। हम कहते हैं इंक्लिनेशन बिटवीन क्या कह रहा है, टू लाइन्स, दो लाइन के बीच का अगर डिस्टेंस को देखा जाएगा तो उसे क्या कहते हैं, एंगल के नाम से जाना जाता है। बच्चों यहां ध्यान दीजिए, सबसे पहले अगर बात करेंगे इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन सेपरेशन और क्या है, डिस्टेंस। इंक्लिनेशन दो लाइन के बीच की एंगल होती है, दो लाइन के बीच का डिस्टेंस होता है। इंक्लिनेशन का मतलब क्या होता है, दो लाइन के बीच का डिस्टेंस का बात करेगा तो उसे बोलते हैं इंक्लिनेशन। दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस होगा उसे बोलते हैं सेपरेशन, और किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा अगर डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है तो उसे बोलते हैं डिस्टेंस। ठीक ठीक है, तो यहाँ एंगल जो है वो हमेशा क्या होता है, दो लाइन के बीच के डिस्टेंस को ही फाइंड करता है, जिसे हम बोलते क्या है, इंक्लिनेशन बोलते हैं। अगर लाइन के बीच का डिस्टेंस की बात होगा तो इंक्लिनेशन, पॉइंट के बीच का डिस्टेंस की बात होगा तो सेपरेशन, और किसी ऑब्जेक्ट या किसी पार्टिकल्स के द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है उसे बोलते हैं डिस्टेंस। तो हमारे पास में एंगल की अगर बात करते हैं, हमारा कॉन्सेप्ट एंगल है, तो एंगल क्या है, ये इंक्लिनेशन है, दो लाइन के बीच के डिस्टेंस को, यानी इंक्लिनेशन को कहते हैं एंगल। अब मैथमेटिकली एंगल किसे कहते हैं, मैथमेटिकली एंगल इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ इंटरसेप्टेड आर्क एंड रेडियस व्हेन अ सर्कल इज ड्रॉ विच सेंटर एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो हमारे मैथमेटिकली एंगल क्या है, रेशियो है। एंगल क्या है, रेशियो है। किसका किसका रेशियो है, तो इंटरसेप्टेड आर्क का रेशियो है और रेडियस का रेशियो है। मैथमेटिकल एंगल किसका बोलते हैं, तो रेशियो है। किसका रेशियो है, एंगल इंटरसेप्टेड आर्क और रेडियस का है। अब ये देखते कैसे हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है, एक सर्कल को क्या करना ड्रॉ करते हैं, जहां पे सर्कल का जो सेंटर है वो उसे क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सर्कल का सेंटर को क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के नाम से जाना जाता है। अब हम देखेंगे कि सर्कल में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे देखेंगे, रेडियस और इंटरसेप्टेड आर्क। बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये हमारा सर्कल है, ये सेंटर हो गया सर्कल का, और इसे बोलते हैं रेडियस, और रेडियस एक और हम ले लेते हैं ये, और ये जो देख रहे हैं ना आप, ये आर्क लेंथ है, इसी को कहते हैं आर्क लेंथ। ये तो कुछ मान लेते हैं, आर्क लेंथ को मान लिए, एस मान लिए, और ये दोनों लाइन देख रहे हैं, ये जो रेडियस है ना, दो लाइन है, ये दोनों के बीच का जो एंगल होगा उसे बोलते हैं थीटा। कुछ ना दिया रहे तो थीटा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एस बाई आर, और एस बराबर क्या हो जाएगा, थीटा इंटू आर, और आर बराबर क्या हो जाएगा, एस बाई थीटा। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि एंगल क्या है, रेशियो है, किसका रेशियो है, इंटरसेप्टेड आर्क और रेडियस का, तो जब सर्कल ड्रॉ करते हैं तो ये आर्क लेंथ यही तो होता है, तो आर्क लेंथ क्या माने हैं, एस माने हैं, दो लाइन के बीच का जो एंगल है, डिस्टेंस जो है वो एंगल शो कर रहा है, वो थीटा बताई जा रही है, और एंगल रेशियो है, किसका रेशियो है, तो इंटरसेप्टेड आर्क और रेडियस का, थीटा बराबर एस बाई आर। एस क्या है, इंटरसेप्टेड आर्क है, और आर क्या है, रेडियस है। अगर इंटरसेप्टेड आर्क अगर पूछेगा कि इंटरसेप्टेड आर्क बराबर क्या हो जाएगा, तो थीटा इंटू आर हो जाएगी। पूछेगा कि रेडियस बराबर क्या हो जाएगा, तो क्या कहेंगे, इंटरसेप्टेड आर्क बाई थीटा। ठीक है, अब यहां से एस आई यूनिट की बात करते हैं, द एस आई यूनिट ऑफ एंगल इज, क्या कहेंगे, रेडियन, जिसे शॉर्ट में आर ए डी कहते हैं। एंगल का एस आई यूनिट क्या है, रेडियन, ये शॉर्ट में क्या कहेंगे, आर ए डी। तो द ए साइन ऑफ एंगल इज क्या बोलेंगे बच्चों, रेडियन। ठीक है, अब पार्टिकल यूनिट्स की बात करते हैं, द
पार्टिकल्स यूनिट ऑफ एंगल इज डिग्री मिनट सेकेंड। अगर एंगल की पार्टिकल यूनिट्स की बात करेंगे बच्चों, द पार्टिकल यूनिट्स ऑफ एंगल इज डिग्री मिनट और क्या होती है सेकेंड। एंगल की पार्टिकल यूनिट्स क्या है? डिग्री मिनट सेकेंड। अब यहां देखते हैं, अगर आपसे कोई पूछेगा पाई रेडियन बराबर क्या होगा 180 डिग्री, अगर कोई आपसे पूछेगा एक डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 मिनट, एक मिनट बराबर क्या होता है 60 सेकेंड। याद कीजिएगा पाई, बच्चों ध्यान दीजिएगा, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, एक डिग्री बराबर 60 मिनट और एक मिनट बराबर 60 डिग्री। अगर इसे लिखना चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक मिनट बराबर 60 सेकेंड, यह भी लिखने का एक तरीका है। और आप इसको अगर लिखना चाहते हैं एक डिग्री को तो 60 मिनट, अगर इसके ऊपर एक डॉट ऐसे आ रखी है तो मिनट को शो करती है, दो है तो किसको सेकंड को बताएगी। तो ये भी एक तरीका है लिखने का, नहीं तो आप पूरे फुल फॉर्म में ऐसे लिख दीजिए सेकंड ए सी सी वी, एक मिनट बराबर क्या 60 सेकंड, आप पहले से जानते भी हैं, और एक डिग्री बराबर क्या होता है 60 मिनट होता है, और पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होती है। अगर यहाँ हम बात करें बच्चों, एक आपके पास एग्जाम्पल है, आप देखिएगा एनसीईआरटी में यूनिट एंड डायमेंशन में एग्जाम्पल नंबर 2.1 वहां पे चेंज करने के लिए देगा कि रेडियन को डिग्री में चेंज कीजिए या फिर मिनट को सेकंड में बताइए या एक मिनट को 60 सेकंड में बताइए। तो आप किस तरह से बताएंगे हम आपको बता देते हैं। यहाँ कैलकुलेट एंगल ऑफ 1 डिग्री 1 मिनट और तीसरा सवाल है 1 सेकेंड, आपको इसकी वैल्यू बतानी है। यूज करना है 360 डिग्री बराबर 2π रेडियन, 360 बराबर 2π रेडियन यूज करके आपको बताना है 1 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 मिनट का कितना होता है, 1 सेकेंड की वैल्यू कितनी होती है। तो जब से पहले चलिए इसके यूज करते हैं, तो अगर मुझसे पूछेगा कि एक रेडियन, एक डिग्री, चलिए ले लेते हैं एक डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, तो आपको पता है 2π/360 और ये कट जाएगी तो 180 यानी 180 पाई बाई 180 रेडियन। और जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे पाई की वैल्यू अगर डालेंगे तो पाई की वैल्यू डालने के बाद आपको क्या मिलेगा, पाई की वैल्यू 3.14 लिखिएगा और 180 से डिवाइड कीजिएगा तो आपको मिलेगा 1.754 × 10⁻²⁻² रेडियन। ठीक, देख लीजिएगा कैलकुलेट करके, तो 1 डिग्री की वैल्यू आपको मिल गई, यानी पहले सवाल का जवाब है आपका, पहला है कि 1 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, तो 1.75 × 10⁻²⁻ रेडियन। अब दूसरा बात ये पूछ रहा है, आप यहाँ याद कीजिएगा आपको बताया गया है पाई रेडियन बराबर कितना 180 डिग्री, फिर आपसे बताया गया है 1 मिनट 1 डिग्री बराबर 60 मिनट और 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। ये तीन चीज़ कभी भूलिएगा नहीं। पार्टिकल यूनिट्स एंगल में, जब भी पार्टिकल यूनिट्स एंगल का बात करें तो पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री,
एक डिग्री बराबर 60 मिनट और एक मिनट बराबर 60 सेकेंड। आप पहले से जानते हैं कि एक मिनट में कितनी सेकंड होती है, 60 सेकंड होती है। यह सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा हुआ है, अभी तुरंत आपको पीछे बताया है पार्टिकल यूनिट्स एंगल के बारे में तीनों चीज बताए हैं। तो यहां पर उसी तरह से बात हो रहा है। अब देखिए ना, पाई रेडियन में 180 डिग्री होता है तो 2 पाई रेडियन है। अब आपको पता है कि एक पाई में 180 होता है, 2 पाई में कितना, 180 का डबल करेंगे यानी 360 हो जाएगा। और 360 में आप एक डिग्री की जब वैल्यू फाइंड करेंगे तो 2 पाई बाई क्या, 360 यानी 1 बाई पाई क्या होगा, 180। और जब इसकी पाई की वैल्यू रखेंगे 3.14 तो आपको कैलकुलेट करके 1 डिग्री की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, 1.754 × 10^-2 रेडियन। अब यहाँ पे बी का सवाल है कि 1 मिनट में कितना रेडियन आएगा। तो सबसे पहले 1 मिनट की बात करें तो 1 मिनट कितने के बराबर होता है, 60 सेकेंड के बराबर होता है। 60 सेकेंड आपको एक डिग्री की वैल्यू उसने फाइंड कर रखा है, तो 60 सेकेंड यानी क्या लिखेंगे यहां पे, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड और यहां पे डिग्री की वैल्यू 1.2 पॉइंट यहां डायरेक्ट लिख देते हैं ना, 2.908 × 10^-4 रेडियन। ये रेडियन में आएगा, आप इसको देखिएगा, 2.91 × 10^-4 रेडियन लगभग आ जाएगा एक मिनट का वैल्यू। और एक सेकंड की जब बात करेंगे बी में और सी में, जब एक सेकंड की बात करेंगे तो एक सेकंड का वैल्यू जो आएगा वो 4.847 × 10^-4 रेडियन, आर ए डी रेडियन, जो लगभग क्या है, 4.85 × 10^-4 रेडियन होगी। तो ये आपकी वैल्यू है एक सेकेंड की। इसी तरह से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, 60 सेकेंड की वैल्यू वहाँ से आएगी और यहाँ से आप ऐसे कैलकुलेट करके ला दीजिएगा, ठीक है। तो बी का जवाब हो जाएगा 2.91 × 10^4 रेडियन और ये एक सेकंड की वैल्यू हो जाएगी। एक सेकंड में आपको पता है कि एक सेकंड है 60 सेकंड बराबर एक मिनट है, एक मिनट का वैल्यू ऊपर से आया है उसे 60 से डिवाइड कर दीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप याद करिएगा कि एक सेकेंड यानी एक मिनट बराबर क्या होता है, 60 सेकेंड। और जब आप इसको पूछिएगा कि एक सेकेंड बराबर, तो 1/ क्या हो जाएगा, 60, ये सारी वैल्यू के ऊपर जाएगा तो आपको ये कैलकुलेट करके फिर से आपको यही चीज़ मिल जाएगी, ठीक है बच्चों। अगर आपको यहाँ से समझ में ना आए तो आप क्या कीजिएगा कि एग्जाम्पल नंबर 2.1 यूनिट एंड डायमेंशन में जाइएगा, एग्जाम्पल नंबर 2.1 देखिएगा, वहाँ सारी चीज़ें आपको लिखी हुई है और इसे जरूर याद कर लीजिएगा, पार्टिकल यूनिट्स एंगल का है। अगली क्लास जो आपकी होगी बच्चों, यहाँ कीजिएगा क्या है, इस चीज़ को देखिएगा अच्छे से, ना समझ में आए तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है गौरव फिजिक्स सेंटर, आप सर्च कीजिएगा तो वहाँ एक लोगो आपको लगा हुआ मिलेगा, आप सर्च करके वहाँ से पूछ सकते हैं अगर कोई डाउट अगर यहाँ पे होती है तो, ये टॉपिक से रिलेटेड। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका होगा वो होगा लेंथ। नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, लेंथ। लेंथ के बाद का जो टॉपिक आएगा वो आ जाएगा मास और उसके बाद का टॉपिक आएगा टाइम, और तब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। सारे टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा उसे प्रैक्टिस किया जाएगा। आप यहाँ कीजिएगा क्या, लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, धन्यवाद। अपने कॉपी में बच्चों, एक मिनट यहाँ ध्यान दीजिएगा, अपने कॉपी में एक नोट्स बनाइएगा जिसमें नोट में सारी चीज़ों को कैलकुलेट करते रहिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो भी कॉन्टेंट आपको दिया जा रहा है वो नीट हो या फिर जेई मेन्स के अकॉर्डिंग एक डायरेक्ट पेपर में आपका आएगा। ये अच्छे से ध्यान रखिएगा, नोट करते रहिएगा कॉपी में, कुछ छोड़िएगा नहीं। कुछ समझ में आया तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आपको फिर से समझाई जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक हम बता दिए हैं, गौरव फिजिक्स सेंटर आपको डालनी है वहाँ पे, और वहाँ सर्च कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों, धन्यवाद।